सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्रितात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड के चतुर्दश सर्ग में हम पढ़ रहे थे 18 नंबर श्लोक। स्व अलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणि कुंडला। तो जो स्वअलंकृता पुरुषा ब्राह्मणान्, जो स्वयं अलंकृत हैं ऐसे पुरुष, ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् ब्राह्मणों को भोजन परोसते हुए, उपासन्ते च तान अन्ने और उनको दूसरे लोग भी उपासन्ते, दूसरे लोग भी उनकी जो सहायता कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं माने उपासन, उनको चीजें पकड़ा रहे हैं परोसने वालों को, तो तान अन्ने वो भी सुमृष्ट मणि कुंडला, वो भी विशुद्ध मणि आदि और कुंडल आदि से युक्त हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि महाराजा दशरथ के राज्य में समृद्धि इतनी है कि वहाँ पर जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं उनके पास तो अच्छे वस्त्र आभूषण हैं ही, यहाँ तक कि जो खाना आदि परोसने वाले सामान्य कार्यकर्ता हैं वो भी वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित हैं। तो ये उसका प्रतीक होता है ना समृद्धि का। जैसे किसी धनवान व्यक्ति के घर में जाएंगे तो उनके जो नौकर चाकर हैं वो भी ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे तो कोई यहाँ 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाला पहनता है। तो ये उनकी समृद्धि का प्रतीक होता है। आगे कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहुनपि प्राहु सुवाग्मिनो धीरः परस्पर जिगीषया। कर्मांतरे तदा कर्मांतरे, फिर कर्म के बाद, कर्म का मतलब यहाँ यज्ञ कर्म, तदा तब कर्मांतरे यज्ञ कर्म के पश्चात विप्रा, जो विप्र लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, बहून अपि हेतुवादान प्राहुः, बहुत सारे हेतुवादों को कहते हैं। हेतुवाद माने अपना हेतु दे करके शास्त्रार्थ करना। तो पक्ष प्रतिपक्ष रख करके जो ब्राह्मण है, जब तक यज्ञ होता है तब तक तो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ तो 3 टाइम होता है, प्रातः सवन, माध्यान दिन सवन, सायं सवन। तो बीच में जो टाइम मिलता है उसमें क्या करें फिर, सो अच्छा अच्छा खाना खाके, क्योंकि यहाँ महाराजा दशरथ ने खाने की और पहनने की, वस्त्रों की और भोजन आवास की व्यवस्था VVIP कर रखी है। तो आप जैसे होते तो क्या करते, अपने जल्दी से यज्ञ का काम निपटा के और आनंद लो पूरी आवास व्यवस्था का, भोजन व्यवस्था का, विश्राम करो, फिर बीच के समय में अच्छी मौज आ गई। तो ये ऐसे नहीं करते हैं, फ्री में माल नहीं मिलेगा बाबा का। हाँ, किसी दिन समोसे खाओ, किसी दिन क्या क्या खाओ, और क्या, जलेबी खाओ, रसगुल्ले खाओ, छोले भटूरे, ये मेरे राम। तो ये जो तरह तरह के व्यंजन खाते हैं
महाराज जी की व्यवस्था में तो वो विश्राम करने के लिए नहीं है, फिर उतना ही काम भी करना है। तो महाराज दशरथ जी ने आवास भोजन की व्यवस्था तो वीवीआईपी दी है, लेकिन काम भी वीवीआईपी वाला करना पड़ेगा। तो यज्ञ के बाद जो टाइम मिलता है उसमें ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, फिर ज्ञान की चर्चा करते हैं पक्ष विपक्ष उठा करके। तो हेतु वादान बहुन, बहुत सारे हेतु दे करके, जो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं तो अपने अपने हेतु देते हैं, भाई ये सृष्टि कैसे बनी, मोक्ष क्या है, जीवात्मा के गुण क्या क्या हैं, कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, कोई भी चर्चा एक लेकर के। तो हम सब का भी ये कर्तव्य है, ये ऐसे हमें भी सिखा रहे हैं कि एक तो हमारे होते हैं रोजाना के रूटीन वर्क, वो हमें करने ही हैं। जैसे इनका रूटीन वर्क है यज्ञ करना, रूटीन वर्क के अतिरिक्त जो समय मिलता है हमें, और कभी हम दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति मिलते हैं, मान लो यहाँ से ऑफिस ही जा रहे हैं, दो बहनें मिलके या दो भाई मिलकर जा रहे हैं, तो उस समय बात कैसी करनी चाहिए वो भी ये सिखा रहे हैं। इस तरह की कोई बात सार्थक, कोई प्रसंग छेड़ना चाहिए, हम प्रसंग कैसे छेड़ते हैं, निरर्थक। हमारे ज्यादातर प्रसंग क्या होते हैं, निंदा चुगली वाले, मतलब जब तक अपने रूटीन वर्क में रहे तब तक तो अपना रूटीन वर्क करते रहे, और जैसे ही उससे हटकर के दो व्यक्ति मिले तो किसी तीसरे को ले लेते हैं, वहां पर शामिल कर लेते हैं बिन बुलाई, और उसकी या तो प्रशंसा करेंगे या तो निंदा करेंगे। प्रशंसा करें तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे अपने अंदर भी वो गुण आते हैं फिर, लेकिन निंदा करें तो ये अपने लिए बहुत घाटे का सौदा है, फिर उससे अपनी हानि होगी, तीसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं है अपना ही है। तो ये लोग क्या करते हैं जब इनको खाली टाइम मिलता है, तो शास्त्रार्थ करते हैं। तो इसलिए श्लोक भी है कि जो ज्ञानी होते हैं उनका जो समय है वो शास्त्र वाद संवाद करने में, शास्त्र चर्चा करने में उनका टाइम बीतता है, और जो अज्ञानी लोग हैं उनका टाइम जाता है कलह करने में, चुगली करने में, आलस्य प्रमाद करने में, निंदा करने में। तो हम क्या करते हैं अतिरिक्त समय में, तो उससे हम खुद अपना जजमेंट कर सकते हैं कि हम कौन सी श्रेणी के प्राणी हैं। ये हमारा ज्ञान है कि अज्ञान है, हम अतिरिक्त टाइम होता है उसको कैसे स्पेंड करते हैं, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो जब ये हमें रामायण बहुत सारी शिक्षाएं देती है, केवल यज्ञ का ही व्याख्यान नहीं सुना रही हमें, ये भी सुना रहे हैं कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं और अपने एक दिनचर्या का जो काम है उससे अतिरिक्त जो टाइम मिलता है, तो उसमें कुछ ऐसे सार्थक चर्चा करनी चाहिए जिससे कि अपने जीवन का विकास हो। तो कर्मांतरे तदा विप्राह हेतुवादान बहुनपि प्राहु सुवागमिनो धीरः। सुवागमिनः अच्छी वाक है जिनकी, सुवाक वाले, सुवागमिन धीरः परस्पर जिगीषया। तो परस्पर जिगीषया मतलब जानने की इच्छा से, परस्पर वार्ताएं करते हैं वो जो वाग्मिन है, वाग्मिन माने सुवाग्मिन, अच्छी वाणी वाले। वाणी केवल जिह्वा से बोलती है, ये तो वैखरी वाणी है। वाणी के भी तो चार प्रकार है ना, जो हम उच्चारण कर रहे हैं इस वाणी को कहेंगे वैखरी। वैखरी माने बिखरी, बाहर आने के बाद तो सब बिखर गया, अब आप उसको वापस नहीं समेट सकते हैं। और एक होती है उपांशु, जो होठ होठ हिलते हैं बस, दूसरे को नहीं सुनेगा, तो इतना धीरे में धीरे से बोलते हैं ना हम, उपांशु जप ऐसे सुना होगा आपने, तो उसमें केवल ओष्ठ हिलते हैं। और एक होता है फिर मन मन में जप कर रहे हैं हम, ओठ भी नहीं हिल रहे हैं और स्थूल रूप से उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं, वैखरी वाणी में भी नहीं बोल रहे हैं और धीरे धीरे भी नहीं बोल रहे हैं, उपांशु भी जप नहीं कर रहे हैं, उसको कहेंगे मानस जप, मन मन में चल रहा है लेकिन। और फिर एक उससे भी अगला है अजपा जप, मन भी शांत हो गया तो भी जप चल ही रहा है, वो अवचेतन मन में घुसा हुआ जो जप है उसको बोलते हैं अजपा जप। तो वो बहुत ऊंची स्थिति है जब हमने उस जप को अपने अवचेतन में भी उसी को डाल दिया, तो बाकी सारी चीजों को बाहर कर दिया बस।
ये समझदार व्यक्ति की पहचान है। तो ये सारे कैसे हैं? सुवाग्मिन, अच्छी वाणी वाले हैं ये ब्राह्मण। माने इनकी वैखरी वाणी भी अच्छी है, उपांशु भी अच्छी है, मन मन में जो चलती है वो वाणी भी बहुत अच्छी है, और मन के भी पार जो सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में जो चल रहे हैं संकल्प, वो भी क्या है? शुभ हैं। तो उस व्यक्ति को, ऐसे विद्वान को, ऐसे ज्ञानी को कहा जाएगा सुवाग्मिन। नहीं तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति वैखरी वाणी तो अच्छे से बोलता है लेकिन मन में सब अच्छा नहीं चल रहा होता है, कुछ अच्छा चल रहा होता है, कुछ दूसरा भी चल रहा होता है, और कभी कभी जोर से तो नहीं बोलता है और धीरे से बोल देता है किसी के बारे में। फिर वो कहता है कि अच्छा आपने कुछ बोला? बोले नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो दोनों में अंतर हो गया, वैखरी में कहा कि कुछ नहीं बोला और उपांशु में कुछ चीटी काटने जैसा बोल दिया। तो यहाँ सुवाग्मिन धीरा, ये इसका अर्थ किया इन्होंने, ये विशेषण दिया उन विद्वानों का कि उनके अवचेतन मन में भी सुवाक ही है, अच्छी वाक ही है, उनके संकल्प, उनके विचार और उनका धीमे बोलना, जोर से बोलना सब शुभ है। परस्पर जिगीषया, परस्पर जीतने की इच्छा से, क्योंकि वाद विवाद में तो यही होता है कि भाई मैं जो जानता हूँ वो ही सत्य है, तो लेकिन वहाँ पर दूसरे को हराने की इच्छा नहीं होती है, सत्य पर पहुँचने की इच्छा होती है संवाद में। तो उसका जो भी पक्ष रखेगा उसका ये आग्रह तो होना ही चाहिए कि मेरा पक्ष विजयी हो, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति मेरे दोष दिखाता है तो उसको फिर वो ठीक करने के लिए तैयार भी रहता है। तो इसीलिए तो चर्चा कर रही हैं, नहीं तो फिर वो जल्प वितंडा में चला जाएगा। दूसरा जो होता है ना, केवल मम सत्यम वाली जो बात होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, वो तो फिर जल्प वितंडा में चला जाता है। आगे दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः, दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः, सर्व कर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः, ना षडंग विदात्रासी ना व्रतो ना बहुश्रुतः, सदस्यास्तस्य वैराज्यो नावाद कुशलो द्विजः, प्राप्ते योपोच्छ्रये तस्मिन् षड् बैल्वः खदिरास्तथा, तावन्तो बिल्वः सहितः परणिनश्च तथा परे, श्लेष्मातः कमयो द्विष्टो देवदारुमयस्तथा, द्वौ एव तत्र विहितौ बाहु व्यस्तः परगृहौ, कारितः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः, शोभार्थं तस्य यज्ञश्च काञ्चनालङ्कृता भवन्, एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः, वसोभिरेकविंशद्भिरेकैकं समलङ्कृताः, विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पीभिः सुकृता दृढाः, अष्टास्त्रयः सर्व एव श्लक्षणरूपः समन्विताः। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रु, यथाशास्त्रम प्रचोदिता, यथाशास्त्रम प्रचोदिता, जैसे शास्त्र प्रेरणा देता है उसी प्रकार से द्विजाः, वे जो द्विज लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, विद्वान लोग थे, वो दिवसे दिवसे प्रतिदिन सर्व कर्माणि सब कर्मों को संस्तरे अच्छी प्रकार से, एक स्तर का कार्य है, बोलते हैं ना वह स्तर का व्यक्ति है ये, तो तत्र वहां यज्ञ में संस्तरे कुशला द्विजाः, जो कुशल द्विज हैं वो अपने कार्य को चक्रु करते थे। तो प्रतिदिन जैसा शास्त्र का विधान है कि किस कर्म को कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, झाड़ू कैसे लगानी है, आसन कैसे लगाने हैं, पात्रों को कैसे रखना है,
एक विधान होता है ना, दीपक को कौन सी दिशा में रखना है, लोटे को कहाँ रखना है, आचमन पात्र कहाँ रखने हैं, सामग्री कहाँ रखनी है, समिधा कैसे लगानी है। तो ऐसे यज्ञ की जो अनेक क्रियाएं हैं उनके अपने अलग अलग विधान होते हैं। तो उसमें जो कुशल द्विज थे वो सब कर्मों को प्रतिदिन बहुत कुशलता से करते थे। कुशल शब्द बहुत व्यापक है। योग दर्शन में कुशल किसको कहा, अध्यात्म विद्या में कुशल किसको कहते हैं, बड़ा कुशल व्यक्ति ऐसे सुना नहीं कभी, कौन सी दुनिया में रहते हो। नहीं नहीं सरल को कुशल नहीं कहते हैं, कुशल किसको कहते हैं, वाक कुशल ऐसे सुना नहीं। तो ये दोनों में प्रयोग होता है, निंदा में भी प्रयोग होता है और प्रशंसा में भी प्रयोग होता है। बोले भाई ये व्यक्ति तो इसने अपराध तो कर दिया, ये फंसेगा नहीं लेकिन बड़ा कुशल है, निकल जाएगा। तो वहां कुशल शब्द निंदा अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन वास्तव में ये कुशल अध्यात्म की दृष्टि से किसको कुशल कहेंगे, जिसने अपने सारे अज्ञान अविद्या के संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया है। ये व्यास भाष्य में आता है, वहां पर वो जो सूत्र है ना, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, वहां उसमें भाष्य में आता है। कुशल व्यक्ति वो है जिसने अपने सारे अज्ञान अविद्या को दोषों को नष्ट कर दिया है। बाकी तो सब माने लोक की दृष्टि में कितनी भी चालाकी दिखा ले व्यक्ति और कितना भी दूसरों को बीट करके अपने आप को आगे कर ले, उसको अध्यात्म की विद्या में कुशल नहीं कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल कौन है, जो अपने अंदर की कूड़ा करकट को साफ कर दे वो व्यक्ति कुशल है, सबसे समझदार है वो। उसको तो बावला समझा जाता है लोक में, तो इसको कुछ पता नहीं, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, इसके पास कोई शब्द शास्त्र इसने पढ़ा नहीं है, इसको कोई पंचोपदेश पंचदर्शन याद नहीं है, गीता याद नहीं है, इसका मतलब ये अकुशल है, ऐसा माना जाता है ना लोक में। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से, योग दर्शन व्यास भाष्य की दृष्टि से उस व्यक्ति को अकुशल नहीं माना जाएगा, अकुशल उसको माना जाएगा जिसने अपने दोषों को नष्ट नहीं किया, और कुशल उसको माना जाएगा जिसने अपने सारे अज्ञान अविद्या को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी वो कुशला द्विजाह, कुशल द्विज, तो यहाँ कुशल अर्थ उसी अध्यात्म अर्थ वाले व्यास भाष्य वाले कुशल शब्द को ही यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि ये सब जो द्विज हैं ये कैसे हैं, जिन्होंने अपने दोषों को दूर किया है। तो ये सब कर्मों को कैसे करते थे, संस्तरे, श्रेष्ठ प्रकार से करते थे, क्योंकि वो एक स्तर का काम करते हैं। जो कुशल होते हैं ना, जिसके अंदर स्वच्छता है, शुचिता है, तो उसकी थोड़ी सी झलक उस व्यक्ति के काम में दिखाई देगी। वो जो भी कार्य करेगा ना, इतना सुंदर करेगा कि देखने वाले का देख के मन प्रसन्न हो जाए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो एक जैसे सिग्नेचर देख करके भी पहचान लेते हैं कि इस सिग्नेचर करने वाले के व्यक्ति का चित्त कैसा होगा, एक विद्या है, क्योंकि हमारे हस्ताक्षर बता देते हैं। तो एक आए थे यहाँ पर अपने पहले, एक व्यक्ति आए थे ना, हाँ, तो वो कुछ लोगों के हस्ताक्षर करवा के फिर वो बताते थे, तो कुछ का बता देते थे, कुछ का नहीं बताते थे, कुछ का दूसरे को बताते थे कि उसका, और उन्होंने कईयों के हस्ताक्षर करवा करके बताया, जो CM आदि हैं कई कई स्टेट के, बोले उसके मैंने सिग्नेचर देखे, आप देखना वो व्यक्ति ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा, और वैसे वैसे ही हुआ। तो जो हमारे चित्त में होता है वो हमारे कर्मों में भी रिफ्लेक्ट होता है, ये सच है। और जैसे हस्तरेखा आदि दिखाते हैं ना, तो इसका भी यही एक विज्ञान है, जो चित्त में होता है रेखाएं चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे चित्त की स्थिति चेंज होती है वैसे वैसे ये भी चेंज होती हैं, एक ही जैसी नहीं रहती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे सारे शरीर के, मस्तिष्क के, सभी ऑर्गन्स के पॉइंट यहाँ हैं हाथ पैरों में, तो यहाँ दबाए तो वहाँ इफेक्ट होता है ना, तो ऐसे ही वहाँ जो चल रहा है उसका इफेक्ट यहाँ भी होता है। तो ये जो विद्या, जो ज्ञान का जो क्षेत्र है, ये अत्यंत विराट और अत्यंत विशाल है।
कोई भी व्यक्ति सर्ववित नहीं हो सकता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का जो बीज है वो निरतिशयता को कहाँ प्राप्त करता है? ईश्वर में करता है। माने ज्ञान की पराकाष्ठा तो वहीं मिल सकती है, बाकी तो सब थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना काम चला रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ कुशल जिसको कहा जाएगा, भले ही उसने कम भी पढ़ा होगा, माने उसको शास्त्र स्मरण कम भी होगा, लेकिन चित्त के दोषों को जिसने हटा लिया वो उसको व्यास ऋषि कुशल मानते हैं। तो ये हुनर जो होता है सब कर्मों को, जो हमारे अंदर की पवित्रता है वो हमारे कर्म में आती है। तो जो व्यक्ति काम करने में जितना कुशल होगा वो व्यक्ति उतना ज़्यादा फायदे में रहेगा, वो अपने मनुष्य जीवन को उतना ज़्यादा सार्थक करेगा। शब्द बहुत अच्छे हैं, शब्दों की निंदा नहीं है, शास्त्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन शब्द से भी अच्छा क्या है? मतलब शब्द मतलब ज्ञान, तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है, शब्द ज्ञान, ज्ञान से भी अच्छा क्या है? जीना, जैसा ज्ञान है वैसा जीना, ये उससे भी अच्छा है। और जीने से भी अच्छा क्या है? वैसा हो जाना, ये एवं वेद स एवं भवति, वो पराकाष्ठा है, वैसा ही हो जाना। तो पहले तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जीते हैं, और फिर उसको भी जो विवेक की पराकाष्ठा है, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, फिर वो उससे भी ऊपर उठना चाहता है। जो धर्म मेघ समाधि लग जाती है ना, विवेक की पराकाष्ठा, माने 24 घंटे विवेक बना रहता है, कितनी ऊंची स्थिति है ये। लेकिन योगी कहते हैं नहीं, है तो त्रिगुण का ही, सत्वगुण की तो प्रधानता है ना, और मेरे अंदर तो सामर्थ्य है कि मैं गुणातीत हो सकता हूं, तो वो त्रिगुण को भी फिर अतीत करके जीवन मुक्त हो जाता है। तो ये ज्ञान तो बहुत अनंत है, पता नहीं कितनी प्रकार का ज्ञान है। एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जो गांव में खेत में काम करते हैं, उनको अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है, वो डिग्री वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, जिसने BMS किया है ना उसको नहीं पता होता, उसको पता है उस विशेष क्षेत्र में रहने वाले को। तो ये बड़ा अनंत है ज्ञान तो इसलिए सारे ज्ञान को तो हम प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। सारा दानम षटपदवत, बहुशास्त्र उपासने भी सारा दानम षटपदवत, बहुत सारे शास्त्रों की उपासना करते हुए भी सबको तो जान ही नहीं सकते हैं, इसलिए वहां से सार ले लो। और सार क्या है शास्त्रों का? शास्त्रों का सार यही है कि अपने दोषों को दुर्गुणों को हटा करके अपने अंदर शुद्धता सात्विकता को अर्जित करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना, बस आगे सारे शास्त्र, उसको लेके बैठना नहीं, फिर उससे फिर दूसरों की सहायता करना, जितनी अपने से होती है उतना करें, बाकी बचेगा तो और भी तो आत्माएं आएंगी ना, और अभी भी तो हैं धरती के ऊपर, तो उसकी टेंशन भी ज़्यादा नहीं लेना। नहीं तो फिर जो व्यक्ति सेवा करने लगता है तो टेंशन ज़्यादा लेने लगता है, फिर वो आसपास सब चीज़ों को ठीक करना चाहता है, उसको लगता है कि संगठन में ये गलत हो रहा है, गुरुकुल में ये गलत हो रहा है, संस्थान में ये गलत हो रहा है, परिवार में ये गलत हो रहा है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वो टेंशन ले लेता है। तो जो उसकी शक्ति सेवा में लगनी चाहिए थी वो फिर और ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो अपने से जितना बनता है, भावना तो यही रखनी है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, लेकिन जो अपने वश में नहीं है वहाँ फिर उसको बड़ी उससे सरलता से स्वीकार करना है, फिर आराम से उसको स्वीकार भी करना है। तो खैर ये इससे प्रसंग से कुशल शब्द से जुड़ी हुई बातें आ गई। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर यज्ञ में जो कुशल द्विज हैं वो प्रतिदिन अपने सब कामों को बड़ी कुशलता से करते हैं, और हम भले ही हम अश्वमेध यज्ञ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जीवन के जो हमारे रूटीन वर्क हैं, जो दिनचर्या है, जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, उसको यदि हम कुशलता से करते हैं, पूरे जितना अपने से हो सके उतने परफेक्शन के साथ यदि अपने कर्मों को करते हैं,
तो ये अश्वमेध यज्ञ जैसे ही हो जाता है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ भी आखिर किसके लिए है? सुख विशेष की प्राप्ति के लिए। और जब हम अपने कर्मों को ही ऐसा करें, ऐसे ढंग से करें कि उन कर्मों से हमें सुख विशेष की प्राप्ति होने लगे, तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया। ना षडंगवित अत्र आसीत, ना व्रतो ना बहुश्रुतः। अत्र यहाँ इस यज्ञ में, अयोध्या नगरी में, ना अषडंगवित, जो वेद के छह अंग हैं, कौन से हैं वेद के छह अंग? शिक्षा, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने इन छह अंगों को ना पढ़ा हो। न अषडंगवित, तो देखो शिक्षा व्यवस्था, इसको कहते हैं शिक्षा व्यवस्था, साक्षरता इसको कहेंगे, साइन करने को नहीं कहेंगे। तो वहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने इन छह अंगों को ना पढ़ा हो, और जो इन छह अंगों को पढ़ लेगा तो उसको एक रास्ता तो मिल ही गया कम से कम दोषों को नष्ट करने का। जब व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो देर सबेर वो कर ही लेगा, उसको पता ही नहीं होता है तो दिक्कत होती है फिर। न अषडंगवित अत्र आसीत, ना व्रतो, कोई भी ऐसा नहीं है जो व्रतों का पालन न करता हो। व्रत कौन से? सोम मंगलवार, एकादशी, पूर्णिमा। तो कौन से व्रतों की बात कर रहे हैं ये? अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा, देश काल, समय अनवच्छिन्ना, सार्वभौमा, महाव्रतम, उसको व्रत कहा है। तो यहाँ पर सब कैसे हैं? अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि व्रतों का पालन करने वाले हैं। न अषडंगवित अत्रासीत, न अव्रत, न अबहुश्रुतः, कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुश्रुत ना हो, बहुत सुना है। क्योंकि सुनने से, बार बार चीजों को सुनने से, ऐसा नहीं कि भी एक बार पारायण कर लिया, हमने एक बार पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, हमने एक बार पढ़ लिया, अब हम नहीं पढ़ेंगे। आप 50 बार पढ़ोगे ना तो नई नई चीजें मिलेंगी आपको, 45 बार पढ़ोगे तो नई नई चीजें मिलेंगी, पढ़ते ही रहना चाहिए उनको। तो इसलिए बहुश्रुत कहा। सदस्या तस्य वैराज्य, उस राजा के वहां कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो षडंगवित ना हो, जो व्रतों का पालन करने वाला ना हो, जो बहुश्रुत ना हो, ऐसा न आवादह कुशल द्विजह, और जो संवाद करने में कुशल ना हो, ऐसा उस राजा के यहाँ कोई भी विद्वान नहीं है। तो इससे पता लग रहा है कि आचरण चरित्र की दृष्टि से भी बहुत ऊंची अवस्था है, और ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ऊंची अवस्था है। तो आज तो यहीं हम समाप्त करते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, स्वार्थ बिना
सबकी सेवा करते नहीं आघाती, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।